तो यहाँ पे स्टार्टिंग की क्लिप जो है वो तो बहुत ही ज्यादा ओपी है, एक्शन जो है वो देखने को बहुत अच्छा खासा मिला है यहाँ पे। तो क्लोज बेटा है, जल्दी से जाते हैं। एंड अच्छी बात है, मुझे फाइनली मेरा खुद का नाम जो है वो मिला है। ओके, तो आ गए हम गेम में। तो सबसे पहले गेम चालू करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो है सेटिंग्स में जाना, बिकॉज बैटल रॉयल गेम प्ले है, कंट्रोल्स जो है सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ गए हम लोग कंट्रोल सेटिंग्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट पे आप लोग चेक कर सकते हो, क्लाउड सेटिंग्स दिया गया है। इसका मतलब टोटल तीन तीन क्लाउड्स रहेंगे जहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स आप लोग सेव कर सकते हैं। एंड कस्टम लेआउट वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम पबजी के जैसे कंट्रोल्स जो है वो करने को मिलने वाले हैं, पूरे कस्टमाइजेबल है। और एक एक्स्ट्रा चीज, हर एक गन जो है वो भी हम लोग अलग अलग जगह पे सेव कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे आप लोग सेट कर सकते हो। एक्स्ट्रा चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की है, FPV एंड TPV इसके लिए भी अलग से बटन दिया गया है जो आप इन गेम आई होप चेंज कर सकते हो, आई होप। तो अभी आती है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, वो है सेंसिटिविटी सेटिंग्स। तो इवन यहाँ पे भी जो है हम लोगों को पूरा कस्टमाइजेशन करने को मिल रहा है, फायरिंग सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोगों को पसंद है पबजी की, वो है गायरो या जायरोस्कोप जो आप लोग यूज करते हो एमिंग के लिए, और उसकी भी सेटिंग्स अलग से सेव कर सकते हो, विच इज एक्चुअली गुड। एंड पिकअप सेटिंग्स वो भी सेट कर सकते हो जस्ट लाइक पबजी, क्या पिकअप करना है, कितना पिकअप करना है। ऑटो पिकिंग जो है ऑप्शन वो हम लोगों को मिल रहा है। एंड बेसिक सेटिंग्स में यहाँ पे एक मेन चीज देख सकते हो, एम असिस्ट जो है वो है गेम में, जो एक्चुअली पबजी में भी था, थोड़ा सा था तो ये गेम में भी है, मैं तो ऑफ रखने वाला हूँ। ऑटो फायरिंग ऑफ रखने वाला हूँ। एंड गायरोस्कोप वो हम लोग ऑन वाइल ADS करने वाले हैं। ओके डन, तो हो गई हमारी सेटिंग जो है वो हो गई है। तो गेम में जाने के पहले और एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, वो है गन्स एंड कैरेक्टर्स जिनकी अलग से खुद की एक एबिलिटी रहती है। तो टोटल अभी 8 कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, 3 अवेलेबल है पहले से ही, ब्लड हाउंड है, बाद में जिब्राल्टर है एंड लाइफलाइन है। एंड अभी आते हैं आर्सेनल में जहाँ पे टोटल गन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर चीज़, इसमें भी हम लोग जो है स्किन लगा सकते हैं, नाइस वन। तो अभी तो सिर्फ एक ही मैप अवेलेबल है एंड एक ही मोड अवेलेबल है, या FPP TPP अलग अलग है, बट एक ही मैप है, वो है वर्ल्ड्स एज मैप है। बस चालू कर देते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, अभी गेम प्ले जो है कैसे रहने वाला है। बाय द वे ये जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर वो बहुत ही मस्त दिख रहा है, लेट्स सी गेम में क्या होने वाला है। ऑल राइट, वर्ल्ड्स एज लोडिंग स्क्रीन देख सकते हो तुम लोग। ओके, लोडिंग स्क्रीन बहुत ही ज्यादा मस्त है एंड एनिमेशंस टॉप क्लास एनिमेशंस है। एंड मेन चीज, 3 लोग ही एक स्क्वाड में आ सकते हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ कुछ लोगों को जिनकी 4 की स्क्वाड पहले से ही रेडी है। इंट्रोड्यूसिंग योर चैलेंजर। ओके, तो मैप देख सकते हो, और सबसे अच्छी एक बात है कि 2x करके भी हम लोग मैप जो है उसमें जूम इन कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। अलग से बटन दिया गया है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो। एंड मैप तो अच्छा खासा बड़ा वाला मैप है, इवन यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, तो मेरी टीम मुझे लेके जा रही है। ओके, वो थोड़ा सा कुछ ग्लिच था। एंड यहाँ पे FPP देख सकते हो, FPP में मैंने कर लिया है कन्वर्ट एंड गन आ गई है। एनिमेशंस ठीक है, थोड़े से अच्छे हैं, इतने भी कुछ खास नहीं है। मुझे लगा था फास्ट पेस थोड़ा सा रहेगा, बट इतना भी नहीं है। एंड TPP में कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो गेम एक्चुअल में स्लो पेस्ड है। ओके, हमारे यहाँ पे कोई बंदा है, वो देखो। तो चलो फर्स्ट हमारा किल ले लेते हैं। ओह नो 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 नो। ओके, फर्स्ट हिट। ओके, बहुत ही ज्यादा एक्चुअली लोग यहाँ पे उतरे थे। ओके, तो ऊपर भी चढ़ सकते हैं, विच इज एक्चुअली गुड। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक जो है वो अभी तक लोड नहीं हुए, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या अर्ली एक्सेस, ओपी अर्ली एक्सेस। तो टोटल ऊपर राइट में चेक कर सकते हो, टोटल स्क्वाड्स कितने बाकी है वो चेक कर सकते हैं, जो एक्चुअल में बैटल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। एनोटो शील्ड जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं वाइल फाइटिंग, बट एक अच्छी बात है कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है।
ओके तो 8 स्कॉर्ड्स बाकी है एंड इसको हिट करने के बाद आई थिंक तो हम लोगों को मिलती है एक्स्ट्रा लूट। या बॉय ये देखो ओके तो 4 स्कॉर्ड बाकी है, टोटल 12 लोग है। ओके तो FPP में भी इवन ये गेम प्ले जो है वो बहुत ही ऐसे लग रहा है कि मैं स्लो मोशन में चला रहा हूँ, बट ये नॉर्मल स्पीड ही है जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। कुछ मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, ना डाउनग्रेड किया है मैंने कुछ भी। ओके 3 स्कॉर्ड्स अभी लेफ्ट है एंड आई थिंक सो 3 स्कॉर्ड होने के बाद तुम लोग चेक नहीं कर सकते हो कि कितने लोग जिंदा है, विच इज आई थिंक सो एक्चुअली गुड। ओके मुझे ऊपर एक बंदा देखा। ओके और एक पेटी। ओके तो एक्स्ट्रा वाला मैंने इफेक्ट डाला है और 2 लोगों को मैंने किया है नॉकआउट। वो मैंने शील्ड डाली थी वहां पे। ओह मैं मरने वाला हूं। ओके तो यहाँ पे जीत गए हम लोग, नाइस वन। तो टोटल 8 किल्स हुए हैं, विश के टोटल हमारे साथ बंदा था उसके 12 किल्स हुए हैं। सेकेंड प्लेस पे है हम लोग हमारे टीम में। तो देखा जाए तो गेम जो है वो जितना फास्ट पेस है उतना है नहीं अभी तक, तो बहुत ही स्लो गेम प्ले लग रहा है। इवन एनिमेशन जो है वो भी स्लो है, बट लॉबी में देख सकते हो, यस स्क्रीन पे देख सकते हो लॉबी जो है उसमें तो एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स जो है टॉप क्वालिटी के यहाँ पे दिखाए गए हैं, बट इन गेम नहीं इतना जो जितना चाहिए एक्चुअल में उतना नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है, जितना पबजी नहीं है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंडियन पब्लिक जो है हमारे इंडियन गेमर्स उनको ये गेम समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड कितने लोग जो है वो खेलने वाले, कितना फेमस जो है ये होने वाला है। तो और भी अपडेट जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक करो और कुछ भी इन्फो मिला होगा आप लोगों को सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे वीडियो देखते देखते जो भी इन्फो चाहिए गेम के बारे में वो आप लोगों को मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो नीचे बता दो, और भी इन्फो जो है ऐसे ही आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर इसमें अच्छे अपडेट्स आते हैं तो और भी गेम प्लेस देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।